हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। वेज आज की हमारी इन्फॉर्मेशन एसीमेड 100 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में होगी। वेज आज हम जानेंगे इस टेबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस टेबलेट का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस टेबलेट के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके एस्क्लोफिनेक हैं और इस टेबलेट का जेनरिक काम एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लोमेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये टैबलेट नॉन स्टेरॉइड्स इन्फ्लोमेंट्री ड्रग्स से ताल्लुक़ रखती है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब मज़ीद तफसील से जानते हैं एसीमेड 100 मिलीग्राम टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये टैबलेट दर्द, सूजन और बुखार के लिए इस्तेमाल होती हैं और वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दर्द, बुखार और सूजन हो। और इसके अलावा व्यूअर्स, रूमेटॉइड्स आर्थराइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि जोड़ों में दर्द और सूजन होती है तो इसके लिए भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये टैबलेट ऑस्टियोआर्थराइट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइट्स में यह होता है कि हड्डियों और जॉइंट्स में सूजन होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइट्स कहते हैं और इसके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना इंतहा बेहतरीन और मुफीद है। और ये टैबलेट एंकलोसिव स्पंडिलाइट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकलोसिव स्पंडिलाइट्स में ये होता है कि बैक बोन यानी व्यूअर्स रीढ़ की हड्डी में दर्द और सूजन होती है तो इसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से रीढ़ की हड्डी का दर्द और सूजन खत्म हो जाएगी तो इसके लिए इंतहाई बेहतरीन और मुफीद टैबलेट है। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हादसे की वजह से जख्म बना हो और उसमें दर्द महसूस हो रहा हो तो उसके लिए भी मुफीद और बेहतरीन टैबलेट है। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर कान या कान में दर्द हो रहा हो तो इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आँख या कान के दर्द से आराम आ जाएगा। और इसके अलावा व्यूअर्स, सर में दर्द हो या हाथ पाँव में दर्द हो तो इसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि हमारे जिस्म में हर किस्म के दर्द के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये डाइक्लोफिनेक ग्रुप की मेडिसिन है और उसी की तरह हमारे जिस्म में वर्क करती है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें मैदे में गैस की प्रॉब्लम कम होती है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी व्यूअर्स इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। कब्ज़ हो सकती है, उल्टी और मतली हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, स्किन पर रेशनर हो सकते हैं, सर का चकराना हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स जल्द पर खारिज का होना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और आप जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी वो लोग जिनके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना ममनू है। अमल में इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, जिगर के राजे में मुबतला लोग इस्तेमाल ना करें, पेप्टिक अल्सर के शिकायत वाले लोग इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा व्यूअर्स, जो लोग इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हैं वो इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन और आप जानते हैं कि कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, बड़े उम्र के लोग 100 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम एक एक टैबलेट इस्तेमाल करें लेकिन खाना खाने के बाद, और 200 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक टाइम इस्तेमाल करें या फिर जैसे डॉक्टर आपको हिदायत करे वैसे इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।